अरे बालक तो मैं भी हूँ। हाँ, मेरे द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र से वो मरा। जब वो मरा तब उसे ये ज्ञान तो नहीं रहा ना कि वो मर गया है। कैसी दुर्गति हुई उसकी। युद्ध आरंभ हुआ उसकी हंसी से और अंत हुआ उसकी मृत्यु से। अहंकार वश हंसने का परिणाम यही होता है। नारायण नारायण। देवऋषि को प्रणाम। देवऋषि को प्रणाम। कल्याण भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करें देवऋषि। नंदी, तुमने अथवा जगत के किसी भी प्राणी ने नारद को कभी किसी आसन पर बैठे हुए देखा है? नंदी, भ्रमण करने का भोग मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सभा क्यों जुटी हुई है? कुमार, हमें युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। नहीं देव ऋषि, मैंने सुना नहीं रहा था, ये सुन रहे थे। अद्भुत, घोर आश्चर्य, तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण सुन रहे थे। नारायण नारायण। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध का आयोजन करें, किंतु पार्वती अनुमति नहीं देती। तब कार्तिकेय स्थिति स्पष्ट करते हैं। उधर तारकासुर आक्रमण की तैयारी करता है, युद्ध आरंभ होता है। शिव कृपा से कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होता है तथा कार्तिकेय स्तंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कार्तिकेय सहित सभी देवगण कैलाश भवन की ओर प्रस्थान में। शेर सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की जय। विजय शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महाशक्तिशाली पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। प्रणाम माता। मेरा पुत्र विजयी होकर आया है। यह विजय पुत्र की नहीं, माँ के आशीर्वाद और पिताश्री की शक्ति की हुई है। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। अब आप सब देवगण से मेरी प्रार्थना है कि निर्भय होकर स्वर्ग लौट जाएं। आपके कार्य में विघ्न डालने वाला तथा आपकी शांति को भंग करने वाला तारकासुर मारा गया है। अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। नारायण नारायण। पूर्ण रूप से सुरक्षित क्यों देवर्षि, अब भी आपको देवगण की पूर्ण सुरक्षा में कोई शंका है क्या? बताएं देवर्षि, अब बाधा कहाँ है? बाधा और शंका का कोई सजीव अथवा साकार रूप नहीं होता देवराज। नारद, तुम देवराज को सदा शंकित करते रहते हो, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? मुझे क्या कहना है भगवान, कहना तो आप त्रिदेव को है, और जो आप कहना चाहते हैं कभी कभी मुझे कहना पड़ता है। नारायण नारायण। देवराज, मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि तारकासुर मारा अवश्य गया है, परंतु पुनः ऐसा असुर उत्पन्न न हो जाए जो स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करे। देवर्षि,
आपके विचार, गणना अथवा मत से भविष्य में ऐसी कोई संभावना है क्या? नारायण नारायण, देवराज आप संकेत समझने का अभ्यास करें। यदि अग्नि में हाथ डाला न जाए तो उसके जलने का प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि अग्नि में हाथ डाल ही दिया जाए तो उसके सुरक्षित रहने की संभावना समाप्त हो जाती है। देवराज देवराजेंद्र, नारद ये कहना चाहते हैं कि सुकर्म का फल शुभ तथा कुकर्म का फल अशुभ होता है। हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य के सुर जब बेसुरे हो जाते हैं तो कब, कैसे और कहां से असुर उत्पन्न होकर हमें कष्ट देने लगते हैं, हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता। अर्थात रंग विलास और विनोद में अपना समय व शक्ति नष्ट ना करके उसका सदुपयोग किया जाए तो शुभ परिणाम प्रकट हो सकते हैं। क्यों नारद, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? आप त्रिदेव अंतर्यामियों से क्या छिपा है प्रभु? नारायण नारायण। यहाँ कैलाश में हर्षोल्लास का वातावरण है और वहां नक्षत्र लोक में कृतिकाओं की क्या दशा हो रही होगी, भोलेनाथ ही जाने। चलकर मुझे उनकी पीड़ा से परिचित होना चाहिए। कार्तिकेय की स्मृति हमारे मन की पीड़ा का कारण बन गई है। जगत की हर माता के साथ ऐसा ही होता है। उसका पुत्र यदि उसकी आँखों से दूर हो जाए तो उसका मन विकल ही रहता है। जगत की माताओं की चर्चा करने से हमें क्या लाभ होगा? इससे मन को शांति तो मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब हम कार्तिकेय को देख पाएंगे। तो उसके लिए नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि आप? प्रणाम। कल्याण भव। आप तो नारायण का नाम स्मरण कर अपने मन को शांत कर लेते हैं, हमारे कल्याण का भी तो विचार करें। पुत्र कार्तिकेय के बिना हमारे प्राण निस्तेज हो रहे हैं। देवियों, आपका पुत्र दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जा रहा है और आप निस्तेज हो रही हैं। अर्थात? अर्थात नहीं देवी, यथार्थ कहो यथार्थ। आपके पुत्र कार्तिकेय ने महाबली तारकासुर का वध करके असुर सेना पर विजय प्राप्त कर ली है। देवलोक से लेकर कैलाश तक उनकी जय जयकार हो रही है। नारायण नारायण। कार्तिकेय ने तारकासुर को धराशायी कर दिया। उसके सेनापति और सेना तीनों। हमें अपने विजयी पुत्र से मिलना चाहिए, उसे बधाई देने के लिए। बधाई अथवा आशीर्वाद? नारायण नारायण, बधाई तो आप सभी को दी जानी चाहिए। यदि आप उसे कैलाश पर भेजती तो कुमार कार्तिकेय के तारकासुर को कैसे मारते? अब हमें अविलंब कैलाश चलना चाहिए। तो विलंब किस लिए? चलो। फिर क्या हुआ कुमार? होना क्या था, जब तारकासुर ने मुझे देखा तो हंसा, खुलकर हंसा। जब मैंने उससे हंसते हुए देखा तो मैं भी हंसने लगा। पर कुमार, तुम्हें क्यों हंसी आ गई? अरे मैं तो तारकासुर से पूछने नहीं गया था ना कि है तारकासुर, तुझे हंसी क्यों आई? फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंसी का क्या, आ जाती है, उसे आई तो मुझे भी आ गई। देखो देखो, तुम्हें भी हंसी आ गई ना। फिर भी कुमार, तारकासुर के हंसने का कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। हाँ हाँ, कारण तो होता ही है। वह मेरे हाथों मारा गया, इसका भी एक कारण तो है ही ना। वह ये समझकर हंसा होगा कि ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक उस महाकाल से कैसे युद्ध करेगा। पर कुमार, तुमने तो उससे युद्ध भी किया और उसे मारा भी। यह ज्ञान तो तुम्हें है, उसे तो नहीं ना, वो तो मारा गया। उसे क्यों नहीं, जब मरा तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। अरे कैसे बालकों जैसी बात करते हो तुम। अरे बालक तो मैं भी हूँ। हाँ, मेरे द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र से वो मरा। जब वो मरा तब उसे ये ज्ञान तो नहीं रहा ना कि वो मर गया है। कैसी
ऐसी दुर्गति हुई उसकी, युद्ध आरंभ हुआ उसकी हंसी से और अंत हुआ उसकी मृत्यु से। अहंकार वश हंसने का परिणाम यही होता है। नारायण नारायण। देवऋषि को प्रणाम। देवऋषि को प्रणाम। कल्याण भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करें देवऋषि। नंदी, तुमने अथवा जगत के किसी भी प्राणी ने नारद को कभी किसी आसन पर बैठे हुए देखा है? नंदी, भ्रमण करने का भोग मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सभा क्यों जुटी हुई है? कुमार, हमें युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। नहीं देव ऋषि, मैंने सुना नहीं रहा था, ये सुन रहे थे। अद्भुत, घोर आश्चर्य, तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण सुन रहे थे। नारायण नारायण। वैसे कुमार कार्तिकेय, ये सूचना बिना पहुंचाए नक्षत्र लोक में भी पहुंच चुकी है तुम्हारी माताओं के पास कि तुमने तारकासुर को मार गिराया है। माताएं पर बिना पहुंचाए उन्हें ये सूचना कैसे पहुंच गई कि यह कार्य मैंने किया है? नारायण नारायण। वैसे ही कुमार कार्तिकेय, जैसे तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण तुम्हारे अनुभव सुन रहे थे। देवऋषि, कैसी है मेरी माता है? वे कभी मुझे याद करती है? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, वे हर समय मेरी आंखों के सामने रहती हैं। उनसे मिलने की बहुत इच्छा होती है देवऋषि, उपाय बताए मैं उनसे कब मिल सकूंगा? न जाने कैसी होगी मेरी माताएं। हमारा पालित पुत्र कार्तिकेय कहाँ है और कैसा है? पालित क्यों कहती हो, वो तो तुम्हारा ही पुत्र है, रहता अवश्य मेरे पास है, पर तुम सभी को याद करता है और बातें भी तुम्हारी ही करता है। हमारी बातें करता है? मेरे पास जब बैठता है तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। बता रहा था कि छह माताओं के अनुसार छह रानियों का राजा बनना तय किया था। आंख मिचौली खेलते हुए भी छोटे होने के कारण दया धर्म की जो बातें किया करता था उसकी भी चर्चा करता है। खेल खेल में भी आंख और मुंह खोलने देता था तुम सबको, वह भी बता रहा था मुझे। पर वो है कहाँ? आ जाएगा, यही कहीं शिव गणों के साथ खेल रहा होगा। देवी पार्वती, तारकासुर का वध तो हो चुका है, जिस उद्देश्य से नंदी महाराज कार्तिकेय को यहाँ लाए थे वह पूर्ण हो गया है। अब आप पुनः कार्तिकेय को नक्षत्र लोक भेज दें। हाँ देवी, अब हमें कुमार लौटा दें। कुमार के बिना अब हमसे नहीं रह जाता, आज उसे हमारे साथ भेज दें। नहीं नहीं, ये संभव नहीं, कुमार अब वापस नहीं जाएगा। नंदी महाराज जब कुमार को लेने हमारे पास आए थे तो हमने भी कुमार को भेज ही दिया था ना? अभी अभी आपने ये भी तो कहा है कि वो हमारा पालित पुत्र नहीं पुत्र ही है। माताएं, तुम कैसे हो कुमार? पहले आप सब बताएं, आप कैसे हो? हे भगवान शंकर, महेश्वर, आप हम पर कृपा करें, कुमार को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी भव्याकृति, तुम ये सत्य कैसे भूल रही हो कि कुमार कार्तिकेय पार्वती के पुत्र हैं? इनके साथ अन्याय करना हमसे तो नहीं हो सकेगा, क्या तुमसे हो सकेगा? पार्वती भी कुमार के बिना कैसे रह सकेंगी?
तुमने 10 वर्षों तक कुमार का लालन पालन किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारा फिर क्या होगा भोलेनाथ? तुम सभी को मन पर संयम और धैर्य रखना होगा। हाँ, जब कभी मन करे और इच्छा हो तो तुम कुमार से मिलने यहाँ कैलाश पर सहर्ष आ सकती हो। माताओं, मैं जहाँ भी रहूंगा सदा आपके पास ही रहूंगा। मेरा नाम तो आपके नाम से ही जुड़ा है। कृतिकाओं का अर्थात आपका पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हूँ। तुम सदा प्रसन्न रहो, हम सब यही चाहती हैं। हाँ कुमार, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और हम सबकी प्रसन्नता के लिए मेरी ये इच्छा है कि आप सभी कृतिकाएं कुमार के विजय स्वागत में भाग लेकर उसकी आरती उतारने में मेरा साथ दें। हाँ देवी, हम सभी आपका अवश्य साथ देंगे। शिवपुत्र कार्तिकेय की शौर्यता, वीरता की गुणगाथा व स्तुति वंदना समस्त ब्रह्मांड करता ही रहा है। बालक कार्तिकेय बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि वालौकिक शक्तियों का स्वामी था। उसके मन में सदा से ही नवीन घटनाओं के विषय में जानने की इच्छा थी। समय चक्र चलता गया,
और समय के साथ साथ कार्तिकीय बाल्यावस्था को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश कर गया। ओहो, देवर्षि नारद प्रणाम। प्रणाम शिवपुत्र कार्तिकेय, प्रणाम। यदि आपसे यहाँ भेंट न होती और मैं कैलाश चला जाता तो आपसे वहाँ भी भेंट न होती। भेंट का संजोग वहाँ का नहीं यहाँ का था, सो हो गई। नारायण नारायण, क्या आप पृथ्वीलोक की ओर भ्रमण के लिए निकले हैं? हाँ देवर्षि, ऐसा ही विचार है। देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ क्या क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के विषय में जानकर क्या करेंगे कुमार कार्तिकेय? अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव से अपने भविष्य का कार्य एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। उत्तम, अति उत्तम। परंतु कैलाश से निकलते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बताकर तो आए हैं ना? जो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, उन्हें क्या बताता, बस चला आया। चलता हूँ, देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। महादेवी, कुमार कार्तिकेय के कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने कैलाश पर सब कहीं देखा पर वे कहीं नहीं मिले। कहाँ गए होंगे कुमार? आपको बताकर नहीं गए? नहीं, संभवतः भोलेनाथ से कहकर गए हो। मैं चलकर पूछ लेती हूँ।